हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो पर। और मैं लेकर आई हूँ आज आपको दमोह दरबार में। दमोह में एक ऐसा हैपनिंग प्लेस जो इतना सुंदर है, जहाँ की वाइब्स इतनी अच्छी हैं कि आपको यहाँ पर बैठ के लगेगा ही नहीं कि आप दमोह में हैं। मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी जगह जो है वो दमोह में खुल चुकी है, हमारे दमोह में, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ, फास्ट फूड से लेके स्ट्रीट फूड, मेन कोर्स, साउथ इंडियन, इटालियन, सब कुछ आपको सर्व होगा, वो भी एक ही छत। मैं हूँ टोकन काउंटर पे, यहाँ पे मेन्यू भी यहीं पर रखा हुआ है। आप चाहें तो मेन्यू आपको टेबल पे भी मिल सकता है। और फूड जो यहाँ पर है वो टोटल सेल्फ सर्विस है, पर सेल्फ सर्विस होने के साथ साथ अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको टेबल पे भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर की थी राज कचौरी, जो बहुत टेस्टी थी। उसके बाद यहाँ की स्पेशल डिश जो है यहाँ के दही के शोले, वो भी बहुत बहुत यम्मी थे। मतलब नो डाउट कि ये न्यू डिश थी और हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पर एक्सपेरिमेंट भी हमारा इतना सक्सेस होगा ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि एक्सपेरिमेंट इतना बढ़िया होगा। हमारे पीछे जो है वो एक पार्टी की तैयारी चल रही थी, आप देख रहे हैं हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरीज, किटी वगैरह भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है। मैं यहाँ 2 बार गई हूँ अपनी अलग अलग फ्रेंड्स के साथ, पर मैंने यहाँ बहुत इन्जॉय किया क्योंकि इतना सारा खाना था कि एक दिन में तो वो पॉसिबल ही नहीं था। तो हमने दही के शोले और राज कचौरी के बाद जो है वो हमने मेन कोर्स ऑर्डर किया था। हमने सोचा कि वो भी ट्राई किया जाए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो हमने यहाँ की स्पेशल थाली ऑर्डर की थी। थाली में आप देख ही रहे हैं कि हमें इतने आइटम सर्व हुए थे, साथ में हमें बहुत सारी नान और तंदूरी रोटी भी सर्व हुई थी कि हम 3 लोग थे और हमें बहुत सफिशियंट हो गया था पूरा खाना। हमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ऑर्डर करना पड़ा था और खाना भी बहुत टेस्टी था। मतलब इतनी सारी चीज़ों की वैरायटी को मैनेज करना और हर चीज़ में टेस्ट देना, मतलब काबिले तारीफ़ है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ जाना। यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी हैं, मैं बार बार कहूँगी आपको। थाली में भी सब कुछ था, दाल के साथ दाल मखनी थी, पनीर मिक्स वेज थी, और एक आपको रसगुल्ला भी मिला हुआ था हम लोगों को, सैलेड भी थी, नान भी थी, तंदूरी रोटी भी थी। मतलब सब कुछ ओवरऑल सब बहुत अच्छा था और हम तीनों चारों लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पर खाना खाकर। फिर सेकेंड डे जब मैं यहाँ पर गई तो मैंने सोचा आज खाना नहीं ट्राई करूँगी, आज मैं सिर्फ यहाँ का जो फास्ट फूड है वो बस ऑर्डर करूँगी। तो दूसरे दिन मैं थोड़े 4-5 दिन बाद में गई, इसलिए मैं वीडियो भी 4-5 दिन बाद पूरा एक साथ अपलोड किया। फिर हमने यहाँ पर ऑर्डर किए थे दही भल्ले, चाट, उसके बाद जिनी डोसा। ये जो रखा हुआ है ये जिनी डोसा है, ये बहुत टेस्टी था, थोड़ा सा स्पाइसी था, तो हम लोगों को स्पाइसी खाना हम थोड़ा सा कम खाते हैं, पर टेस्टी था। जिनी डोसा के बाद यहाँ के स्पेशल आइटम की बारी थी, जो था इनका पिज़्ज़ा डोसा। तो ये है यहाँ का पिज़्ज़ा डोसा, जो ये बहुत टेस्टी था, नो डाउट। इसमें बिल्कुल भी टेस्ट में कहीं से कहीं तक कमी नहीं थी। आप हेल्दी के साथ साथ पिज़्ज़ा वाला टेस्ट भी था, तो बहुत बढ़िया था। हम तीनों लोगों ने बहुत इन्जॉय किया ये अपना पिज़्ज़ा डोसा और हमें बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हमने और भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी, पर मैं सबका वीडियो नहीं डाल सकती क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ढेर सारे लाइक्स दें ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको बता सकूँ। इसके बाद लास्ट में हमने कोल्ड कॉफ़ीज़ ऑर्डर की थी और शेक्स ऑर्डर किए थे। तो ये जब तक हम इन्जॉय कर रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक करिए और अपने मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। और एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, ज़रूर विज़िट करिए दमोह दरबार।